नागौर में बियारी की मौत पर मशा हंगामा। हनुमान बेनीवाल घेरे में। सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर की मौत के बाद गुच्छाई मजदूरों ने एम्बुलेंस में भी लगा दिया आग। आपको बता दें कि मुंडवा अंबुजा सीमेंट कंपनी में श्रमिकों ने मचाया उत्पात। इस के नागौर जिले से बहुत बड़ी खबर है। हनुमान बेनीवाल घेरे में आए हैं। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के निकटवर्ती मुंडवा कस्बे के पास निर्माणाधीन अंबुजा सीमेंट के प्लांट में श्रमिक की मौत के बाद बुधवार सुबह सैकड़ों श्रमिकों ने जमकर उत्पात मचाया है और कंपनी के अस्पताल व वाहनों में तोड़फोड़ कर नुकसान भी पहुँचाया है। आक्रोशित श्रमिकों ने अस्पताल के आगे खड़ी एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया है। काफी देर तक चलते उपद्रव के बाद पुलिस बल कंपनी के परिसर में पहुंचा तथा श्रमिकों को शांत किया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक इस वक्त बड़ी खबर है, अंबुजा के निर्माणाधीन प्लांट में राजीव बाबा ठेकेदार कंपनी के माध्यम से लगे बीआर निवासी श्रमिक विजेंद्र चौधरी की मंगलवार रात को अज्ञात कारणों से मौत हो गई, जिसका शव कंपनी अधिकारियों ने खुद के अस्पताल में रुका दिया और बुधवार शव को लेकर जैसे ही रवाना होने लगे वैसे ही श्रमिकों ने हंगामा मचा दिया है। आपको बता दें कि कंपनी की ओर से 15 लाख राशि है वो देने की घोषणा भी कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल नागौर के सांसद होने के नाते हनुमान बेनीवाल की यह कर्तव्य बनता है कि किसी जिले में किसी श्रमिक की मौत होने पर और उसके हंगामे मचने पर कुछ अच्छा करने का। हनुमान बेनीवाल ने साथ ही अपने पेज पर लिखा है कि नागौर के मुंडवा में निर्माणाधीन अंबुजा सीमेंट प्लांट में मजदूर की मृत्यु के बाद दुख समाचार प्राप्त हुए हैं। मजदूरों के अनुसार कंपनी द्वारा दमनकारी नीति से रात दिन कार्य करवाया जाता है तथा उक्त घटना की सच्चाई से मजदूरों व मृतक के परिजनों को अवगत नहीं करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने कहा कि दिन और रात में एक ही मजदूर को काम करवाया जाता है, ये बहुत गलत हनुमान बेनीवाल ने माना है। साथ ही आपको बता दें कि मजदूरों पर कोई दमनकारी नीति नहीं अपनाई जाए, घटना की जांच करके फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए, जरूरत पड़ी तो मौके पर भी जाऊंगा। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो मैं मौके पर जाऊंगा, साथ ही वहां के जो है कार्रवाई करनी होगी, मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, हनुमान बेनीवाल ने रिक्वेस्ट भी की है। ये थी खबर। वहीं राजस्थान सहित भारत की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए आज ही द सुगम को सब्सक्राइब करें।